नमस्कार मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे प्यारे और सबसे दुल्लारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर हम लोग अपनी क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम आ गए अरे भैया एकदम आ गए ये रहे एकदम बराबर में दो महीने बाद आपको एग्जाम दिखते हैं और इसी वजह से हमारा जो ये हिंदी मीडियम का परिवार है फिजिक्स वाला का ये आप सभी के साथ बोर्ड बूस्टर सीरीज लेकर आया है अब तक हम लोग आप सभी के साथ राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान के कुछ चैप्टर्स को देख चुके हैं इतिहास के कुछ चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं भूगोल के एक अध्याय को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज की हमारी इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही जबरदस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक चैप्टर है एक अध्याय है उसको आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं सर जी क्या पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है वो आप सभी को दिख रहा है जिसका नाम है संघवाद क्या है दोस्तों चैप्टर का नाम है संवाद और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ क्या करेंगे डिस्कस करेंगे है ना तो अधिकतर बच्चों का सवाल था हमारी पिछली वीडियो के अंदर भी सर हम लोग तो यूपी बोर्ड के हैं हम बिहार बोर्ड के हैं आप भारत के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो अगर आपके पास सामाजिक अध्ययन हिंदी में मौजूद है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, है और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो है ही तो दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ ये जो संवाद वाला हमारा ये अध्याय है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा अध्याय हमारे भारत पर आधारित है हमारे भारत के अंदर सरकार क्या होती है हमारे देश को किस तरीके से चलाया जाता है संवाद का मतलब क्या होता है इसकी पूरी कहानी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चलिए जी अब समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे बिना समय को खराब करे हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं क्यों ना सबसे पहले यही डिस्कस करें दोस्तों कि आज क्या पढ़ने वाले हैं अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि संघवाद क्या है भैया ये क्या चीज है क्या ये किसी चिड़िया का नाम है किसी किताब का नाम है किसी गाड़ी का नाम है संवाद का अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे और अगर हमने संवाद के अर्थ को समझ लिया तो हमारे लिए इस पूरे के पूरे अध्याय को समझना बहुत आसान हो जाएगा लगभग सत्तर से अस्सी प्रतिशत चैप्टर हम इसी अर्थ को समझने के बाद समझ सकते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संघवाद का अर्थ समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि संवाद वाला जो ये रूप है क्या है दोस्तों कि किसी भी देश पर क्या करेंगे, और उसके हम लोग देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा भाई किसकी शक्तियों का बंटवारा और ये शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जा रहा है इसके बारे में पूरी कहानी हम लोग अपनी आज के साथ डिस्कस करेंगे मैं आपसे पूरा वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग संवाद वाला ये जो चैप्टर है अगर आप लोग हमारी आज की इस क्लास को पूरा देखते हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक तो आपके सामने कभी भी इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो हम लोग इस पूरे चैप्टर को सवालों के जरिए और उसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट के जरिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं तैयार है मित्रों चलिए दोस्तों आप सभी लोग पूरे पूरे तौर पर तैयार हैं और भैया अब हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं क्या डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि भैया संवाद क्या है या फिर संवाद का अर्थ क्या होता है ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सवाल है इसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई अगर हम लोग दुनिया के अंदर देखें तो हमारे को अलग अलग तरीके के देश दिखते हैं आप देखते हैं कि कोई ऐसा देश है जहां पर एक व्यक्ति होता है जो राजा होता है और वो राजा ही उस देश के अंदर राज करता है फिर राजा का बेटा आ जाता है फिर उसका बेटा आ जाता है इस तरीके से जब देश को चलाया जाता है किसी देश को चलाने का ये भी एक तरीका है इसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं भारत भी आपको आज से लगभग तीन सौ साल पहले चार साल पहले कैसा दिखता था राजतंत्र वाला ही देश दिखता था यहां पर अलग अलग राजा हुआ करते थे अच्छा आज के समय में अगर हम लोग देखें वर्तमान परिपेक्ष में अगर हम लोग देखें तो दुनिया के अधिकतर देशों में क्या है दोस्तों दुनिया के अधिकतर देशों में हमें लोकतंत्र दिखता है लोकतंत्र का मतलब क्या है लोकतंत्र का मतलब है कि भैया जनता अपने में से ही अपने में से ही क्या करती है कुछ लोगों को चुनती है कुछ नेता लोगों को चुनती है और ये जो चुने हुए नेता लोग होते हैं ये क्या करते हैं ये चुने हुए नेता लोग देश को चलाते हैं है ना तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें शासन यहां पर एक शब्द लिखा है अगर हम लोग संवाद को समझ रहे हैं तो संघवाद का मतलब क्या है कि भैया ये किसी भी देश को चलाने का शासन मतलब होता है देश को चलाने का एक तरीका है है ना और संघवाद हमें कहां पर दिखता है दोस्तों संघवाद हमें उन्हीं देशों में दिखता है जहां पर लोकतंत्र है आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एक ऐसा देश है जैसे सऊदी अरेबिया है जहां पर राजतंत्र है जहां पर राजा का राज है कि वहां पर संघवाद होगा नहीं संघवाद हमें उन्हीं देशों के अंदर दिखता है जहां पर लोकतंत्र होता है अब संवाद होता क्या है यह सवाल आपके दिमाग में आएगा भाई संवाद हमें लोकतांत्रिक देशों में दिखता है और जिन देशों में संवाद होता है ना वहां पर देश को सरकार के द्वारा चलाया जाता है अब सरकार क्या होती है सरकार का मतलब है कि देश में चुनाव हुए देश में चुनाव हो जाने के बाद जो आपके जीते हुए नेता लोग होते हैं जो नेता लोग जीत जाते हैं वो क्या करते हैं वो एक टीम बनाते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और इसी ग्रुप का काम होता है भैया देश का विकास करना तो सरकार क्या है सरकार चुनाव के बाद जो आपके जीते हुए नेता लोग होते हैं उनकी एक टीम होती है एक ग्रुप होता है एक समूह होता है उसी को सरकार कहा जाता है और यही ग्रुप देश की शिक्षा पर स्वास्थ्य पर रोजगार पर देश की सुरक्षा पर काम करता है ठीक है तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर हमें संघवाद दिखता है या फिर संघीय व्यवस्था दिखती है और मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो जिन भी देशों के अंदर हम संघवाद को देखते हैं वहां पर हमें दो प्रकार की सरकारें दिखती हैं कौन कौन सी प्रकार की सरकारें दिखती हैं दोस्तों एक दिखती है हमें केंद्र सरकार और दूसरी हमें दिखती है राज्य सरकार क्लियर हुआ तो संघवाद क्या है संघवाद सीधे सरल तौर पर किसी देश को चलाने का तरीका है यह हमें लोकतांत्रिक देशों में दिखता है लोकतांत्रिक देशों के अंदर सरकार होती है और संघवाद जब हम बात करते हैं संघवाद की या फिर संघीय व्यवस्था की तो इसके अंदर मुख्य तौर पर हमें दो प्रकार की सरकारें दिखती हैं एक कहलाती है आपकी क्या है दोस्तों केंद्र सरकार और एक कहलाती है आपकी राज्य सरकार ठीक है अब केंद्र सरकार क्या है इसको हम लोग समझेंगे आगे और उसी के साथ राज्य सरकार क्या है उसको हम लोग समझेंगे आगे यहां पर हमने संघवाद शब्द की जो हमारी परिभाषा रही उसके अर्थ को हमने आपके सामने पेश किया कि कोई किसी देश को चलाने का ऐसा तरीका जहां पर सरकार मौजूद होती है और सरकार के भी दो रूप होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उस देश के अंदर लोकतंत्र भी विद्यमान होता है लोकतंत्र भी मौजूद होता है अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी देश के अंदर दो सरकारें होंगी वहीं उसी को हम लोग क्या कहते हैं उस देश को हम लोग संघवाद कहते हैं या फिर वहां पर संघीय व्यवस्था होती है केंद्र सरकार हमने यहां पर डिस्कस किया और उसी के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया राज्य सरकार के बारे में ठीक है हमारे प्यारे भारत के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो हमें ये दो प्रकार की सरकारें दिखती हैं अरे मेरे दोस्त दिखती हैं कि नहीं दिखती जी हां हम सभी को भारत के अंदर दो प्रकार की सरकारें दिखती हैं भाई हमारा प्यारा भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से सातवें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत देश बहुत ज्यादा जनसंख्या है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है तो इस पूरे देश का विकास करने की जो जिम्मेदारी होती है हमारा जो पूरा भारत देश है इस पूरे भारत देश की जो विकास करने की जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है भैया केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश से संबंधित देश का विकास हो संपूर्ण देश का विकास हो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है वही भारत के अंदर हमें क्या दिखते हैं दोस्तों हमारे राज्य देखते हैं आज के समय में हमारे पास ट्वेंटी राज्य हैं अट्ठाईस राज्य हैं और हर राज्य के अंदर आपको एक राज्य सरकार दिखती है हर राज्य की अपनी सरकार होती है देखा है ना आपने जी हाँ जैसे अगर हम लोग देखें यूपी राज्य की यूपी सरकार है एमपी राज्य की मध्य प्रदेश सरकार है बिहार की बिहार सरकार है उसी के साथ पंजाब की पंजाब सरकार है तो हर राज्य की भी एक सरकार होती है यानी कि वहां पर जो जीते हुए नेता होते हैं उनकी उनका एक ग्रुप होता है और हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य को आगे बढ़ाए केंद्र सरकार पूरे देश का विकास करती है वहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य को आगे बढ़ाए तो संघवाद से परिभाषा अगर हम लोग देख रहे हैं तो संघवाद किसी देश को चलाने का तरीका है जहां पर सरकार विद्यमान होती है सरकारें दो रूप में होती हैं वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश का विकास करना वहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मुख्य तौर पर क्या किया जाए राज्यों का विकास किया जाए ठीक है और मुख्य तौर पर आप लोगों को दिखता है कि ये जो सरकारें होती हैं ये क्या करती हैं? ये शासन चलाती हैं। शासन चलाने का मतलब है कि भैया ये देश को चलाती हैं, देश का विकास करती हैं। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हर बिंदु को समझ रहे हैं अब आगे देखते हैं दोस्तों अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें अगर हम लोग अपने भारत के संविधान को देखें अभी ये संविधान क्या चीज है आप लोगों ने क्लास नाइन्थ के अंदर इस शब्द को जरूर देखा होगा जिसे हम लोग कह रहे हैं संविधान और संविधान से क्या तात्पर्य है दोस्तों संविधान से तात्पर्य है कि ये हमारे देश की नियम की पुस्तक है क्या है कि ये हमारे देश के अंदर जितने भी नियम हैं वो सभी इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं जैसे आपका स्कूल जो होता है वो नियम से चलता है कि भैया सात बजे आपका स्कूल शुरू हो जाएगा आठ बजे पहला पीरियड नौ बजे दूसरा पीरियड दस बजे आपकी रिसेस हो जाएगी तो आपके स्कूल को चलाने के नियम आपकी स्कूल की डायरी में लिखे होते हैं ऐसे ही देश को चलाने के नियम भी देश की एक किताब में एक पुस्तक में लिखे हुए हैं इसे संविधान कहा गया है और भारत के संविधान को अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं मिलता भारत को क्या नहीं कहा गया गणराज्य शब्द के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि क्या कहा गया बल्कि यह कहा गया कि भाई जो हमारा प्यारा भारत है यहां पर संघीय व्यवस्था है संघीय व्यवस्था का मतलब कि हमारा प्यारा भारत देश कैसे चलेगा हमारा प्यारा भारत देश सरकार से चलेगा और यहां पर किस प्रकार की सरकारें हैं यहां पर मुख्य तौर पर हमें दो प्रकार की सरकारें दिखती हैं ठीक है

अरे भैया 26 जनवरी याद है आप सभी को दोस्तों जी हाँ 26 जनवरी 1950 को आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान था 26 जनवरी है ना दोस्तों क्या है 26 जनवरी 1950 को आप सभी को बताएं कि हमारे देश का जो कानून था संविधान था वो लागू हो गया और जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ हमारे देश के नियम बन गए तो उस समय साल 1950 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्य तौर पर क्या थी भैया हमारे पास सिर्फ दो ही प्रकार की सरकारें हुआ करती थी जब संविधान बना जब कानून बना ना दोस्तों तो सिर्फ दो ही प्रकार की हमें सरकारें दिख रही हैं कौन कौन सी भैया पूरे देश का विकास करने के लिए हमारे पास केंद्र सरकार थी कि पूरे देश का विकास किया जाए इसके लिए हमारे पास केंद्र सरकार थी और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर पूरे देश का विकास करने के लिए हमारे पास केंद्र सरकार थी और हर राज्य का विकास हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हमारे पास राज्य सरकार थी क्लियर हुआ तो जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ हमारे पास सिर्फ दो ही प्रकार की सरकारें थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्र सरकार पूरे देश का विकास करती है पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है इंग्लिश में से सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वहीं हर राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर राज्य का विकास करना कराने की जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप देखते हैं कि राज्य सरकार की होती है तो जब हमारे देश का कानून बना तो उस समय हमारे पास दो ही प्रकार की सरकारें थी लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है बहुत बड़ा है भैया बहुत बड़ा है जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर हम आ रहे हैं क्षेत्रफल के मामले में सातवें नंबर पर हम आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इस बड़े से देश में पूरे तौर पर विकास नहीं हो पा रहा था है ना जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हर एक छोटे छोटे मोहल्ले तक पहुंच पाना हर छोटे छोटे गांव तक पहुंच पाना हर छोटे छोटे शहर तक पहुंच पाना असंभव हो रहा था और इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ सालों के बाद है ना संविधान लागू होने के आप देखते हैं कि लगभग तीस चालीस सालों के बाद क्या किया गया तीसरी प्रकार की जो शासन की व्यवस्था थी उसको भी लागू किया गया क्या किया गया तीसरी प्रकार की जो शासन की व्यवस्था थी इसको भी लागू किया गया है ना तो जो हमारी राज्य सरकार होती है दोस्तों तो वो तो राज्य का काम करती है और जब हमें रियलाइज हुआ कि हमें अपने देश को पूरे तौर पर मजबूत करना है तो इसके लिए हमने मुख्य तौर पर क्या किया अपने देश के अंदर तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं क्या कहा जाता है इसको इसको स्थानीय सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है दोस्तों स्थानीय सरकार का तात्पर्य होता है कि ये मुख्य तौर पर हर गांव के अंदर आपको एक पंचायत दिखेगी ताकि गांव का विकास हो और ऐसे ही हर शहर का विकास हो इसके लिए हमें नगर दिखती है तो यहां पर हमने देखा कि जब हमारे देश का कानून लागू हुआ साल 1950 में तो दो प्रकार की सरकारें रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय के साथ हमने देखा कि एक तीसरी सरकार को भी जोड़ा गया जैसे स्थानीय सरकार कहा गया स्थानीय सरकार के अंदर हम देख रहे हैं कि इनका काम है कि भैया शहरों का विकास करें और गांव का विकास करें ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी शासन की व्यवस्था है है ना आप क्या देखते हैं कि यहां से अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे कि संघेय व्यवस्था के मुख्य लक्षण या फिर विशेषताएं क्या हैं कि जिस भी जब भी हम लोग बात करते हैं संघवाद की या फिर कोई ऐसा देश जहां पर संघीय व्यवस्था लागू है तो उसकी क्वालिटीज क्या है उसकी विशेषताएं क्या है उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं यहां से सवाल बनता है है ना बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके पेबर में यहां से बनता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें आपके सामने पेश करना होगा आप देख रहे हैं कि जिस भी देश के अंदर भैया संघीय व्यवस्था होगी तो वहां पर देश को चलाने का तरीका शासन का मतलब क्या होता है है देश को चलाने का जो तरीका वो आपको दिखता है कि वहां पर दो 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 प्रकार की की सरकारें सरकारें या से ज्यादा आपको दिख जाती हैं अगर हम किसी भी देश को देखें जहां पर आप संघीय व्यवस्था को देखते हैं तो वहां पर आपको दो या फिर उससे ज्यादा प्रकार की सरकारें मुख्य तौर पर दिख जाती हैं और इन सभी का काम क्या होता है भारत के अंदर हमारी केंद्र सरकार हुई राज्य सरकार हुई या फिर स्थानीय सरकार हुई भैया इनका काम क्या है इन सभी का काम है अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना अपने नागरिकों का विकास करना है ना हमारी जितनी भी ये सरकारें हैं संघीय व्यवस्था के अंदर मौजूद जितनी भी हमारी ये सरकारें होती हैं ये मुख्य तौर पर अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और मुख्य तौर पर क्या करती हैं उनके जीवन को बेहतर करती हैं और उनको विकास की ओर ले जाने की पूरे पूरे तौर पर आप देखते हैं कि कोशिश करती है ठीक अच्छा इन सभी के जो अधिकार क्षेत्र हैं इन सभी के जो अधिकार क्षेत्र हैं या फिर आप देखें कि इन सभी की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं भारत के संविधान में बता दी गई हैं कि भैया केंद्र सरकार आपकी ये ये शक्तियां हैं आपके इतने इतने काम हैं आपको वो काम करने हैं ऐसे ही भारत के संविधान में बता दिया गया है कि राज्य सरकार आपके ये ये काम है आपकी ये ये शक्तियां हैं आपको ये काम करने हैं तो भारत के संविधान में आप देखते हैं भारत के नियम की जो किताब है हमारा जो प्यारा संविधान है उसमें दोनों जो हमारी सरकारें हैं उनके काम को पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं कि बता दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ हम लोग देखें कि संविधान में भारत के संविधान में क्या किया गया है इन दोनों के जितनी भी हमारी सरकारें हैं उनके अधिकार को बता दिया गया है अधिकार का मतलब क्या है दोस्तों अधिकार का मतलब है कि इनके काम को बता दिया गया है और इनकी शक्तियों को बता दिया गया है कि ये लोग अपने काम और शक्तियों को लेकर कभी आपस में फ्यूचर में लड़ना जाए तो संविधान में बता दिया गया है कि केंद्र सरकार के क्या क्या काम होंगे क्या क्या शक्तियां होंगी राज्य सरकार के क्या क्या काम होंगे क्या क्या शक्तियां होंगी ये हमारे देश के संविधान के अंदर आप देखते हैं कि वर्णित है है ना और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारी सरकार है हमारे देश के अंदर जो हमारी ये सरकारें हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये क्या करती हैं इनको संविधान से गारंटी मिली है केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है ये संविधान में जो काम बता दिए गए हैं उसी के आधार पर काम करते हैं है ना ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से कोई नियम और कानून बनाने लगे नहीं जो बातें संविधान में बता दी गई हैं कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको उसी तरीके से काम करना होगा सरकारें मनमर्जी से काम नहीं कर सकती वो देश के कानून के आधार पर वो देश के संविधान के आधार पर ही क्या करती हैं शासन को चलाती हैं उसी के साथ साथ हम देखें कि संविधान का जो मूल प्रावधान है है ना संविधान का जो मूल प्रावधान है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सरकारें सोचें कि भाई हम संविधान के हिसाब से क्यों चलें क्यों ना अपनी मनमर्जी से चीजों को बनाएं क्यों ना खुद को सर्वशक्तिशाली कर दें ऐसा नहीं है जब हमारे संविधान को निर्मित किया गया तो ये बात इसकी पूरी तौर पर कोशिश की गई जो संविधान की असली आप देखते हैं कि अंतरात्मा है संविधान का जो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि संविधान का जो मूल रूप है उसमें संभव उसमें Uh, कोई भी सरकार अकेले बदलाव नहीं कर सकती तो केंद्र सरकार अगर करना चाहे कि भैया हमें अपने हिसाब से कानून बनाना है अगर हम करना चाहें बदलाव तो कर सकते हैं नहीं राज्य सरकार अगर कानून में बदलाव करना चाहे नहीं तो राज्य सरकार और राज हमारी जो केंद्र सरकार है पूरे देश की सरकार और हर राज्य की सरकार हर राज्य की सरकार और अगर पूरे देश की जो हमारी सरकार है केंद्र सरकार अगर ये दोनों तैयार होंगे तभी बदलाव किया जा सकता है और ऐसा बहुत कम होता है है ना तो अगर देश के संविधान की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि दोनों के काम बांट दिए और ये उन्हीं कामों को करेंगे जो इनको बता दिया गया है ये लेकिन ये संविधान में बदलाव नहीं कर सकते अगर करना होगा तो इसके लिए सभी राज्यों की सरकारें और देश की केंद्र सरकार के सब लोगों को राजी होना पड़ेगा जो थोड़ा मुश्किल होता है ये थोड़ा आपको क्या दिख जाता है ये थोड़ा असंभव हो जाता है थोड़ा संभव हो जाता है तो इसी वजह से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इस प्रकार से स्वरूप होता है और दोनों स्तर की सरकारें मुख्य तौर पर क्या करती हैं भैया ये जनता के विकास के लिए ही काम करती हैं चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या फिर हमारी राज्य सरकार हो ठीक है अब देखिए कि दोनों काम कर रही हैं केंद्र सरकार भी जनता के लिए काम कर रही है जनता के लिए कानून बना रही है और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि राज्य सरकार भी जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए आ, कानून बना रही है ठीक है अब आप देखें कि मुख्य तौर पर एग्जाम्पल दे, देखते हैं दोस्तों जैसे यूपी सरकार हमारा एक राज्य है यूपी और केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है मोदी जी ठीक है जी मोदी जी हैं और यहीं पर आपको दिखता है कि यूपी के अंदर हमें योगी जी दिखते हैं ठीक है यूपी के मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी अब मान लीजिए कि मोदी जी और योगी जी किसी चीज पर कानून बना रहे हैं दोनों के दोनों लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ असह असहमति हो जाए कोई विवाद हो जाए योगी जी कहें कि नहीं नहीं ये कानून सही नहीं है मोदी जी कहें कि नहीं, नहीं नहीं ये कानून सही नहीं है और दोनों में आप देखें कि सहमति ना हो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्त ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग देखते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना रही होती है काम कर रही होती है और इनके बीच में अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद आ जाता है तो उस समय देश का जो न्यायालय होता है हमारे देश का जो कोर्ट होता है है ना भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है भाई ये आता है है ना सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है एम्पायर की तरह देखना है ना तो वो राज्य सरकार की भी देखेगा बात को अच्छा ऐसे ऐसे नियम है ऐसे ऐसी बात है ऐसे ही केंद्र सरकार की के सारी बातों को देखेगा तो जो हमारा कोर्ट है देश का जो हमारा न्यायालय है ये क्या करता है ये अगर दोनों सरकारों के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया है कोई विवाद हो गया है कोई विरोध हो गया है तो इस स्थिति के अंदर क्या करता है उसका निपटारा करने की कोशिश आप देखते हैं कि उस मतभेद को कम करने की जिम्मेदारी हमारे न्यायालय की होती है वो देखता है कि कौन सही है और कौन गलत है और उसी के आधार पर फिर फैसले लिए जाते हैं है ना और ये आप देखें कि भारतीय कानून की सबसे बड़ी विशेषता रही है तो भारत का न्यायालय यहां पर आता है और भारत का न्यायालय मार्गदर्शन करता है कि कैसे देश को चलाया जाए अच्छा यहां पर हम लोग संघ व्यवस्था के मुख्य लक्षण या फिर इसकी विशेषताओं को अभी देख रहे हैं उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सरकार के हर स्तर के लिए क्या है वित्त स्रोत का स्पष्ट विवरण दिया गया है अगर आप लोग भारत के संविधान को देखें तो भारत के संविधान में यह बता दिया गया है कि हमारी केंद्र सरकार कैसे क्या करती है टैक्स को ले सकती है अब ये टैक्स क्या होता है चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छे तरीके से आपके सामने रख देते हैं आप सभी अपने अपने घरों में रहते हैं और आप सभी के घरों के अंदर आपका घर चलाया जाता है सर जी घर भी चलता है मेरे दोस्त घर चलने का मतलब होता है आपके घर के अंदर महीने का राशन आता है आपकी किताबें आपकी आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म सामान आपका आपका इंटरनेट का खर्चा तो आपके मम्मी पापा आपका घर चलाते हैं है ना महीने में आपके फादर या तो कहीं काम करते होंगे या फिर उनका बिजनेस होगा या मम्मी कहीं काम करती होंगी या उनका बिजनेस होगा और उससे घर चलता है ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी आप देखते हैं कि पैसे की जरूरत होती है तो वो काम करते हैं आपके फादर, मदर फादर पैसा आता है उससे घर चलता है ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी देश को चलाने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है रुपए की जरूरत होती है और ये पैसा और रुपए क्या कहा कहां से आता है आपसे और हमसे ही आता है दोस्तों हमसे टैक्स लिया जाता है है ना हम जब साबुन लेते हैं चीनी लेते हैं कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हैं सिनेमा देखने जाते हैं तो हमसे टैक्स लिया जाता है और सब लोगों से टैक्स ले लेकर बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है और उसी से देश को चलाया जाता है तो भारत के संविधान में ये बता दिया गया है भारत के संविधान में ये बता दिया गया है वर्णित कर दिया गया है कि भैया केंद्र सरकार कौन कौन से प्रकार के टैक्स ले सकती है राज्य सरकार कौन कौन से प्रकार के टैक्स ले सकती है और ये उसी आधार पर क्या करते हैं टैक्स लेते हैं उसी आधार पर क्या करते हैं दोस्तों ये लोग टैक्स लेते हैं या फिर कर लेते हैं और उसके जरिए क्या करते हैं अपने देश के अंदर या फिर समस्त राज्य के अंदर क्या करते हैं काम करते हैं तो देश के संविधान ने क्या कर दिया है दोस्तों इनके सभी के सभी जो वित्तीय स्रोत हैं कि इनके पास इनको पैसा कहाँ से आ सकता है कहाँ से ये टैक्स जमा कर सकते हैं और उस आने वाले पैसे को कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये बता दिया गया है और उसी के अधिकार क्षेत्र में उसी काम क्षेत्र के अंदर ये लोग क्या करते हैं अपने काम को करते हैं अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसको समझने की जरूरत हम सभी के लिए बहुत ज्यादा है दोस्तों और वो क्या है वो ये है कि संघीय ढांचा जहां पर भी हम लोग देखते हैं जिस भी क्षेत्र के अंदर हम लोग संघीय ढांचा देखते हैं तो किसी भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था रखने की वजह क्यों क्यों रखें भैया हम संघीय व्यवस्था हम राजा के हिसाब से चला सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं कि एक राजा हो वो देश में राज करे और फिर उसका बेटा राज करे और फिर ऐसी चीजें चलती रहें किसी भी देश के अंदर शासन करने की ये संघ संघीय व्यवस्था क्यों लाई गई या फिर ये संघवाद क्यों स्थापित किया गया इसके पीछे की वजह क्या है उद्देश्य क्या है यही आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संघीय ढांचे के उद्देश्य बता दीजिए है ना तो मुख्य तौर पर वो हम लोग यहां पर देख रहे हैं आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो पहला उद्देश्य है कि किसी भी देश के अंदर जब शासन करने का तरीका संघीय व्यवस्था पर आधारित होता है तो आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पर देश की ये एकता को मजबूती देता है जी हाँ अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें अगर आप लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा प्यारा भारत आपको दिखता है कि अट्ठाईस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं हमारा ये जो देश है यहां पर हमें केंद्र की भी सरकार दिखती है जो पूरे देश को लागू चला रही है और वहीं पर हम मुख्य तौर पर क्या देख रहे हैं हर राज्य विशेष की भी हमें एक सरकार दिख रही है हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक राज्य विशेष की भी सरकार है तो इसके जरिए क्या होता है दोस्तों इसके जरिए राज्य के लोग हर एक राज्य के लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं देश की एकता को इसमें मजबूती मिल रही है उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जिस भी देश के अंदर संघीय व्यवस्था लागू होती है वहां पर क्या होता है कि उसके जरिए अलग अलग जो संस्कृतियां होती हैं क्षेत्रीय विविधता का मतलब अलग अलग जो संस्कृति होती है उसका सम्मान किया जाता है है ना आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जब 26 जनवरी आ जाती है लाल किले पर राजपथ पर हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों की नागालैंड हुआ मिजोरम हुआ मेघालय हुआ हमने इन लोगों की संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती लेकिन जब हम उस झांकी को देखते हैं तो हमें पता चलता है तो संघीय व्यवस्था देश की एकता को मजबूत करती है देश के लोगों को एक साथ लाती है और उसी के साथ साथ अलग अलग इलाकों की जो संस्कृति है उनके प्रति आपको सम्मान दिलाती है कि भैया हमारे महाराष्ट्र के लोग केरल के, लो, के लोगों का सम्मान करें केरल के लोग गुजरात के लोगों की संस्कृति का सम्मान करें तो ये संघीय व्यवस्था के अंदर ही संदर्भ है कि ये देश की एकता को मजबूत करती है और जो क्षेत्रीय विविधता है अलग अलग संस्कृतियां हैं भाषाएं हैं उनका जो सम्मान करती है यह हमारी संघीय व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको परिपेश दिखता है ठीक है अच्छा उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि जो हमारी संघीय व्यवस्था है संघीय व्यवस्था जो है इसके दो और पहलू हैं, जिस भी देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि संघीय व्यवस्था लागू होती है इसके पीछे आप लोग देखते हैं कि वहां पर जो रहने वाले लोग होते हैं ना उनमें एक दूसरे को लेकर क्या होता है पारस्परिक विश्वास होता है पारस्परिक विश्वास का मतलब क्या होता है भैया कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं जब हमारे भारत देश को निर्मित किया गया अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़कर चले गए पंद्रह अगस्त उन्नीस को तो उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में अलग अलग इलाके थे अलग अलग क्षेत्र थे अलग अलग सूबे थे इन सभी सूबों को इन सभी क्षेत्रों को इन सभी इलाकों को इन सभी राज्यों को इकट्ठा कर भारत देश निर्मित किया गया और इस समय जब भारत में संघीय व्यवस्था को लागू किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शासन चलाने के तौर पर रखा गया तो भारत के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो एक दूसरे के साथ क्या थे सहमत थे कि भैया हम रहेंगे है ना हम अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों के साथ मतलब पूरा एक देश जो है हमारा वो एक देश के तौर पर रहने को सहमत था तो संघीय व्यवस्था के अंदर आप देखते हैं कि लोगों में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक विश्वास होता है और वो एक दूसरे के साथ रहने को क्या होते हैं मुख्य तौर पर सहमत होते हैं और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंदर क्या किया जाता है ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं है ना देश के अंदर अगर आप लोग वर्तमान समय में देखें कि जो हमारी केंद्र सरकार है हमारे जो राज्यों के अंदर अलग अलग राज्य हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और क्यों मिलकर काम करते हैं ताकि देश का भी विकास हो और हमारे राज्यों का, का भी विकास हो और जब देश का विकास होगा राज्यों का विकास होगा तो समस्त भारत का विकास होगा तो संघीय व्यवस्था लोगों के बीच में पारस्परिक विश्वास को जोड़ती है लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं इससे देश की एकता मजबूत होती है इसी के साथ हमें दूसरी संस्कृतियों के प्रति सम्मान पैदा कराती है संघीय व्यवस्था और देश के अंदर जब ये सभी लोग सभी सरकारें मिलकर काम करती हैं तो इससे देश का मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि विकास होता है और देश तेजी से आगे बढ़ता है है ना अब यहां पर कुछ और चीजें हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सरकार के अंदर अगर हम लोग देखें है ना सरकार के अंदर आप लोग देखते हैं कि विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के साझेदारी के नियम तय होते हैं है ना जैसे कि हमने बताया कि हमारे देश के अंदर आपको जब संविधान लागू हुआ तो दो प्रकार की सरकारें दिख रही थी एक थी हमारी केंद्र सरकार जिसको अपन लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी और फिर हर राज्य की आपको राज्य सरकार दिखती है है ना ये तो आपको पता है दोस्तों तो यहां पर हम लोग मुख्य तौर पर ये देख पा रहे हैं कि भारत देश के अंदर जो हमारी ये राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं भैया इनके नियम और कानून को बता दिया गया है केंद्र सरकार तुम्हारे कौन कौन से काम होंगे तुम्हारी कौन कौन सी शक्तियां होंगी संविधान में लिखी हुई हैं राज्य सरकारें तुम्हारे कौन कौन से काम हैं तुम्हारी कौन कौन सी शक्तियां हैं लिखी हुई हैं उन्हीं शक्तियों के उन्हीं शक्तियों को ध्यान में रखकर और अपने काम को ध्यान में रखकर ये दोनों सरकारें क्या करती हैं काम करती हैं है ना तो इनके बीच में भी सत्ता की साझेदारी की गई है यानी कि इनके बीच में जो पावर है पावर मतलब देश को चलाने की जो पावर है संविधान ने बांट दी है कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी हैं कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं और ये लोग क्या करते हैं अपने ही अधिकार क्षेत्र के अंदर जो काम इनको बता दिए गए हैं उसी के अंदर क्या करते हैं ये लोग काम करते हैं दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं करते केंद्र सरकार अपने अपने नियमों के आधार पर काम करेगा और जो राज्य सरकार को बता दिए गए हैं कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है उसी पर आप लोग देखते हैं कि हमारी राज्य सरकारें काम करेंगी ठीक है अब यहां पर देखिए कि मुख्य तौर पर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सत्ता का संतुलन क्योंकि हमें देख रहा है कि देश में दो प्रकार की सरकार है, है ना मुख्य तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना और इनके बीच में पावर इन दोनों के बीच में शक्ति कैसे बटी हुई है जैसे मैं आपसे कहे जा रहा हूं कि कुछ काम है जो केंद्र सरकार को करने हैं कुछ काम है जो राज्य सरकार को करने हैं आखिर वो काम है क्या ये भी तो बताइए सर उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों ठीक है और हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये जो पावर शेयरिंग हुई हुई है इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ हुआ है इसको हम लोग यहां पर आपके सामने देखेंगे तो मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि भारत के संघीय ढांचे में क्या किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का संतुलन किया गया है सत्ता का संतुलन मतलब देश को चलाने की जो शक्ति है ना उसको आप लोग देखते हैं कि एक सीमित तौर पर बैलेंस तौर पर बांटा गया है कुछ शक्तियां आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर भैया जी कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं और आप देखते हैं कि कुछ शक्तियां हमारी राज्य सरकार को दी गई हैं और इन दोनों से ही अपेक्षा की गई है कि भैया साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब दोनों मिलकर साथ चलेंगे और जब दोनों मिलकर साथ चलेंगे तो तभी हमारे देश का विकास हो सकता है ये आप यहां पर देख रहे हैं कि ये अपेक्षा की जाती है दोनों के बीच में Uh, संतुलन किया गया और जब ये दोनों मिलकर क्या करेंगी सही तौर पर काम करेंगी तो भारतीय संघ का निर्माण होगा भारतीय संघ का निर्माण का मतलब क्या है दोस्तों कि मुख्य तौर पर जो हमारा प्यारा भारत देश है इसका विकास होगा संघ मतलब भारतीय संघ का मतलब हमारा प्यारा भारत देश है ना हमारा देश का निर्माण होगा हमारा प्यारा भारत देश बनेगा अगर दोनों सरकारें सही तरीके से काम करें दूसरे के साथ मिलकर काम करें और इनके बीच में जो शक्तियां हैं उस तौर पर आप देखते हैं कि बटा हुआ है अब यहां पर हम लोग देखें कि मुख्य तौर पर अः जिस भी देशों के अंदर अलग अलग देश आपको दुनिया के अंदर दिख जाते हैं दुनिया के अंदर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के देशों को देखते हैं और इन देशों के अंदर आप लोग देखते हैं कि यहां पर संघीय व्यवस्था लाई गई है किसी भी देश के अंदर संघेय व्यवस्था लाने के दो तरीके हैं कौन से तरीके हैं कितने तरीके हैं दो तरीके हैं लल्ला कितने हैं भैया दो तरीके हैं किसी भी देश के अंदर संघेय व्यवस्था को अपनाकर देश जो बनाए गए हैं वो दो तरीके से बनाए गए हैं इनमें से जो सबसे पहला तरीका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसे क्या कहा जा रहा है इसको कहा जा रहा है सबको साथ लाकर संघ बनाना इसको क्या कह रहे हैं दोस्तों इसको हम लोग कह रहे हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना और यहां पर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है संघ का मतलब है यहां पर देश तो जिन भी देशों के अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया गया है संघीय व्यवस्था को लाया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जरिए देश को चलाया जा रहा है वो दो तरीके से बने हैं सबसे पहला तरीका कह रहा है सबको साथ लाकर संघ बनाना या फिर देश बनाना अच्छा कोई ऐसा देश देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि इस प्रकार का कोई ऐसा देश ऐसा कोई इलाका ऐसा कोई देश जहां पर आप लोग देखें कि भैया स्वतंत्र स्वतंत्र राज्य हैं ठीक है जी स्वतंत्र स्वतंत्र इलाके हैं स्वतंत्र इलाके आजाद हैं है ना ये कभी इकट्ठे थे ही नहीं हमेशा से आजाद रहे हैं स्वतंत्र रहे हैं ठीक है और ये सभी जो इलाके रहे ये सभी जो राज्य रहे इन पर बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और इनको लगा कि भाई बाहर के लोग हम पर आक्रमण कर देते हैं हम सभी लोग एक ही क्षेत्र के आसपास रहते हैं हमारी बातचीत करने का तरीका हमारी संस्कृति हमारा खान पान एक ही है क्यों ना हम लोग क्या कर लें ये जो हम सब लोग अलग अलग हुए हुए हैं हम, है हम सभी लोग एक हो जाए हम सभी लोग एक हो जाए और एक होकर क्या कर लें देश बन जाए फिर तो हम शक्तिशाली होंगे फिर तो कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जब आपकी स्वतंत्र इकाइयां जब आपके अलग अलग जो स्वतंत्र इलाके होते हैं स्वतंत्र राज्य होते हैं जब ये खुद अपनी मर्जी से क्या करते हैं इकट्ठे होकर एक देश को निर्मित करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग सबको साथ लाकर संघ बनाना कहते हैं है ना कि भैया ये अलग अलग इलाके थे स्वतंत्र इलाके थे इनको लगा कि भैया अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे हम बेहतर कर पाएंगे अपने लोगों को अच्छा जीवन दे पाएंगे और फिर वो देश को निर्मित करते हैं फिर वहां पर जो संघीय व्यवस्था आती है उसको हम लोग कहते हैं सबको साथ लाकर संघ बनाना ऐसा कोई देश जहां पर आप देखें कि जो राज्य रहे या फिर जो इलाके रहे वो स्वतंत्र थे और उसके बाद आप देखते हैं कि वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर जब संघीय व्यवस्था को लाया जाता है तो वहां पर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है दोस्तों वहां पर मुख्य तौर पर मैं आपको दिखाता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं है ना ऐसा कोई देश जहां पर आप लोग देखें कि भैया राज्य थे और ये राज्य या फिर इलाके स्वतंत्र थे आजाद थे इन सभी स्वतंत्र राज्यों को अगर आप लोग देखें कि ये सभी राज्य इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद जब देश बनते हैं तो ऐसे राज्यों के अंदर ऐसे देशों के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास ज्यादा शक्ति होती है दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे आप अगर अमेरिका को देखें दोस्तों अमेरिका जो है ये यूएसए हाँ जो बाइडन वाला यूएसए है ना अमेरिका जो है भैया अमेरिका हुआ उसी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं स्विट्जरलैंड को होते हैं देखते हैं हैं देखते तो ये सभी देश देश जो जो निर्मित हुए जो देश बने हैं, अमेरिका को अगर हम लोग मुख्य तौर पर देखें तो अमेरिका आज के समय में पचास राज्यों को मिलाकर एक देश बनाए लेकिन देश बनने से पहले ये सभी पचास इलाके आजाद थे स्वतंत्र थे ये किसी के साथ नहीं थे इन सभी को लगा कि भैया अकेले हैं न्यूयॉर्क अलग था न्यूजर्सी अलग था बोस्टन अलग था है ना ये सभी अलग अलग जो आपको स्टेट दिखती है न्यूयॉर्क पूरी अमेरिका की ये आजाद थे ये सभी इकट्ठे हुए और एक देश बनाया और इस देश जब कोई ऐसा देश बनता है जहां पर जो राज्य थे वो स्वतंत्र होते हैं और उसके बाद फिर वो एक देश बनता है और फिर जब यहां पर सरकारें होती हैं तो इस प्रकार के जो देश के अंदर सरकारें होती हैं वहां पर राज्य सरकारों के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं वहां पर राज्य सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं अमेरिका में भी दो सरकारें हैं वहां पर भी हर राज्य की एक सरकार है और पूरे देश को चलाने के लिए आप देखते हैं कि केंद्र सरकार है लेकिन कोई ऐसा देश जो सबको साथ लाकर संघ बनाकर बनता है वहां पर आप देखते हैं कि राज्य सरकारों के पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां होती हैं और उसी के साथ हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास थोड़ी कम शक्तियां होती हैं अमेरिका हुआ स्विट्जरलैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया हुआ ये सभी सबको साथ लाकर संघ बनाकर बने हैं है ना यहां पर जो संघीय व्यवस्था है कुछ इस तरीके से है किसी भी देश के अंदर जब संघीय व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसको लागू करने का और उस तरीके से देश को बनाने का ये पहला तरीका है जो आपने देखा कि अलग अलग इलाके थे इकट्ठे हुए देश बन गए आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके को देख लेते हैं दोस्त दूसरा तरीका कहलाता है सबको जोड़कर देश बनाना है ना क्या है दोस्तों दूसरा तरीका कहला रहा है सबको जोड़कर संघ बनाना संघ का मतलब क्या है मेरे लाल पीले नारंगी दोस्त भूलना नहीं है हमें बिल्कुल भी है ना तो so, सबको जोड़कर संघ बनाने का मतलब क्या है कि सबको जोड़कर देश बनाना पिछले वाले पॉइंट में अगर हमने देखा कि जो इलाके थे वो आजाद थे हमेशा से आजाद थे इन सभी आजाद इलाकों ने इन सभी स्वतंत्र इलाकों ने सोचा कि भैया वाला आजाद आजाद घूम रहे हैं क्यों ना इकट्ठे हो जाए एक देश बन जाए और ऐसे संघे वाले जो देश होते हैं वहां पर राज्य सरकारें ज्यादा शक्तिशाली हैं और केंद्र सरकार कम शक्तिशाली लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों सबको जोड़कर संघ बनाने की तो ऐसा कोई देश है ना ऐसा कोई देश जहां पर आप लोग देखें कि भैया ऐसा कोई देश जो बहुत बड़ा है ऐसा कोई देश जो बहुत बड़ा है और वहां पर आपको अलग अलग विविधताएं दिखती हैं अलग अलग संस्कृति दिखती है जैसे हमारा प्यारा भारत आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की अलग संस्कृति है तमिलनाडु की हमारी अलग संस्कृति है केरल की अलग संस्कृति है हमारे गुजरात की अलग संस्कृति है महाराष्ट्र की अलग संस्कृति है गोवा की अलग संस्कृति है हमारे उत्तर भारत की अलग संस्कृति है हमारे पूर्वांचल राज्यों की अलग संस्कृति है अलग भाषाएं हैं अलग अलग जीवन जीने का तरीका है एक ऐसा क्षेत्र जो बड़ा है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि यहां पर अलग अलग विविधताएं हमें दिखती हैं विविधताओं का मतलब होता है अलग अलग संस्कृतियां हमें दिखती हैं और ये सभी देश ये जो सभी इलाके हैं कि एक कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं इन सभी संस्कृतियों को ध्यान में रखकर जब किसी देश को निर्मित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त उसको हम लोग सबको जोड़कर संग बनाना कहते हैं सबको जोड़कर संग बनाने का मतलब है कि भैया कोई ऐसा भूभाग जो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा भूभाग बहुत बड़ी जमीन और उस बड़ी सी जमीन के अंदर उस बड़े से भूभाग के अंदर आप बहुत सारी संस्कृतियों को देखते हैं और ये जो सभी संस्कृतियां हैं है ना उस बड़े से भूभाग के अंदर मौजूद है और ये सभी फिर एक देश बनते हैं तो इस प्रकार का जो देश बनता है उसको हम लोग सबको जोड़कर संघ बनाना कहते हैं और इस प्रकार के जो देश होते हैं जब यहां पर संघ व्यवस्था को लागू किया जाता है तो यहां पर जो केंद्र सरकार होती है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है ऐसे कोई देश जो बहुत बड़े हैं और अलग अलग संस्कृतियां वहां पर मौजूद हैं जब यहां पर संघ व्यवस्था को लागू किया जाता है तो वहां पर केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है इस प्रकार के जो देश बने हैं दोस्तों वहां पर मुख्य तौर पर आप क्या देखते हैं कि जो आपकी केंद्र सरकार होती है वो ज्यादा आपको शक्तिशाली दिखती है आपकी जो केंद्र सरकार है वो आपको ज्यादा शक्तिशाली दिखती है है ना तो राज्य भी होते हैं राज्यों के बाद भी शक्तियां होती हैं लेकिन राज्यों की शक्तियां कम होती हैं सबको आप देख रहे हैं कि जोड़कर संघ बनाने वाले जो देश हैं जैसे हमारा प्यारा भारत अट्ठाईस राज्यों को आप हमारे ही भारत के अंदर देख रहे हैं आपको पता है आजादी से पहले भी अंग्रेजों के आने से पहले भी ये सभी भारतीय भूभाग के अंदर मौजूद थे है ना भारत नामक क्षेत्र की कल्पना मौजूद थी और इन्हीं को देखकर जब आजादी मिली तो हमने अपने देश को निर्मित किया तो सबको जोड़कर संघ बनाकर मतलब है कि जहां पर एक ऐसा भूभाग जहां पर अलग अलग संस्कृतियां हैं इनको मिलाकर जब देश बनाया जाता है तो इसको सबको जोड़कर संघ बनाना कहते हैं इस प्रकार के देशों में केंद्र सरकार के पास कम शक्तियां हैं राज्यों के पास आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ज्यादा शक्तियां नहीं मिली होती हैं ठीक है जी राज्य राज्यों के पास कम शक्तियां आपको दिखती हैं अच्छा जैसे दुनिया के अंदर कौन से ऐसे देश हैं जो इस तरीके से बने हैं भारत हुआ हमारा प्यारा भारत हुआ इसी के साथ आप देखते हैं कि स्पेन हुआ बेल्जियम हुआ ये सभी जो देश दोस्त आपको दिख रहे हैं ये सबको जोड़कर संघ बनाने के तौर पर देखते हैं कि ये बड़े भूभाग थे यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियां थी इन संस्कृतियों को ध्यान में रखकर इस देश को बनाया गया और इसको हमने सबको जोड़कर संघ बनाने के तौर पर देखा तो किसी भी देश के अंदर जब भी हम लोग संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उनके आधार पर देशों के बनाने के दो तरीके रहे सबको मिलाकर सबको जोड़कर संघ बनाना और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा ठीक है अब यहां से दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे और आप सभी के साथ हमारा जो प्यारा भारत देश है हमें ये तो समझ में आ गया कि संघवाद है क्या संघवाद का मतलब क्या होता है जिस भी देश के अंदर देश को सरकार के द्वारा चलाया जाता है जहां पर लोकतंत्र होता है और जहां पर दो प्रकार की सरकारें या फिर दो से ज्यादा प्रकार की सरकारें होती हैं उसी को हम लोग संघवाद कहते हैं या फिर संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं भाई हमारे प्यारे भारत के अंदर भी हमें केंद्र सरकार दिखती है और राज्य सरकार दिखती है भारत के अंदर ये जो हमारी संघीय व्यवस्था है ये कैसी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस बिंदु को हम लोग आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं तो अगर हम लोग देखें कि भारत के संविधान में क्या किया गया भारत को एक संगनात्मक रूप दिया गया जी हाँ भारत जो हमारा देश है एक संघीय व्यवस्था वाला देश है और संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों कि संघीय व्यवस्था का मतलब है कि हमारे प्यारे देश के अंदर सरकारें होती हैं है ना दो और दो से अधिक और आप सभी को बताए कि मुख्य तौर पर भारत के संविधान में आपको बताया कि ये बताया गया जब भारत का मूल संविधान तैयार किया गया साल 1950 में जब हमारे संविधान को लिखा गया तो भैया उस समय भारत के संविधान में दो सरकारों को बता दिया गया कि दो सरकारें हम रखेंगे केंद्र सरकार जो पूरे देश को बढ़ाएगी आगे करेगी और राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्यों को आगे बढ़ाएंगी है ना केंद्र सरकार क्या करती है वो हमारे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे भारत का विकास करे और उसी के साथ साथ जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं वो अपने अपने राज्यों का विकास करती हैं लेकिन आपको पता है कि जरूरत के हिसाब से हमें यह महसूस हुआ कि भारत एक बड़ा देश है तो उसके बाद हमने तीसरी प्रकार की सरकार को भी शामिल किया जिसे हम लोग कहते हैं गांव के लिए पंचायत और शहरों के लिए नगर इसको भी आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर शामिल किया गया है ना और अगर हम लोग भारत के संविधान को देखते हैं भारत का जो हमारा संविधान है ये कैसा संविधान है ये एक लिखित संविधान है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है सारे नियम कैसे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है प्रधानमंत्री के क्या क्या काम है क्या क्या शक्तियां हैं उसी के साथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से काम करेंगे राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होंगी आई अधिकारियों के क्या क्या स्वरूप होंगे सारी इंफॉर्मेशन भारत के संविधान में लिखित तौर पर मौजूद है तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आपको दिख रहा है ना सबसे बड़ा लिखित संविधान है यह सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस प्यारी किताब के अंदर मौजूद है और ये शक्ति को बांट दिया गया है सबकी शक्तियां यहां पर बता दी गई हैं है ना केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं राज्य सरकारों की क्या क्या शक्तियां हैं ये सभी भारत के संविधान में निर्मित हैं और हमारे देश के अंदर आपको पता है कि हमारी न्यायपालिका है और जो हमारे देश के अंदर न्यायपालिका है जो ये कोर्ट होते हैं हमारे है ना एक स्वतंत्र है ये किसी के अधीन नहीं आते ना तो ये केंद्र सरकार के अंडर काम करते हैं ना ही राज्य सरकारों के अंडर काम करते हैं ये स्वतंत्र है भारत के संविधान ने भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र बताया है और हमारे जो कभी कभार केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होती है अगर इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है हमारा कोर्ट है वही सुलझाता है और ये भारतीय संविधान की एक अलग विशेषता है, है ना सबकी शक्तियां लिखी हुई हैं और उसी के साथ साथ सब अपनी शक्तियों के आधार पर काम कर रहे हैं विवाद होता है तो न्यायपालिका सुलझाती है तो कितनी बड़ी आप देखें कि इत, इतना बड़े देश को इतने अच्छे तरीके से जो चला पा रहा है ये हमारे भारत का संविधान और हमारे भारत की संघीय व्यवस्था ही आपको दिखती है है ना अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भैया केंद्र सरकार के क्या क्या काम है ये लिखे हुए हैं राज्य सरकार के क्या क्या काम है ये लिखे हुए हैं है ना लेकिन सर लिखे कहां हुए हैं संविधान में अगर हमें पढ़ना है तो कहां पर पढ़े इसके लिए क्या किया गया है? भारत के संविधान में केंद्र सरकार के क्या काम होंगे और क्या शक्तियां होंगी राज्य सरकारों के क्या काम होंगे क्या शक्तियां होंगी इसको क्या किया गया है एक लिस्ट में लिख दिया गया है संविधान के अंदर हम लोग तीन लिस्ट देखते हैं ये वही लिस्ट है जैसे आप लोग जब राशन लेने जाते हैं तो आपकी मम्मी कहती है ना राजू मसाला लिख लो चावल लिख लो लिस्ट बनती है कुछ इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट भारत के संविधान में हमें दिखती है तीन लिस्ट हमें दिखती है हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों हिंदी में इन्हें हम लोग सूची कहते हैं क्या कहते हैं सूची ठीक है जी तो सबसे पहली जो सूची हमें भारत के संविधान में दिखती है इसे हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट या फिर इसे एक और नाम से पुकारा जाता है इसे कहा जाता है संघ सूची क्या कहा जाता है दोस्त इसे कहा जाता है संघ सूची संघ सूची का मतलब क्या है संघ सूची का मतलब है कि संघ का मतलब क्या है दोस्तों कि आपकी जो देश की केंद्र सरकार है क्या है कि आपके जो देश की केंद्र सरकार है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं और उसके क्या, क्या क्या काम है ये हमें कहां पर मिलेंगे ये अगर हमें देखना है तो हमें संघ सूची देखनी होगी या फिर हमें क्या देखना होगा या फिर हमें इंग्लिश में से यूनियन लिस्ट कहते हैं वो देखना होगा है ना तो जो देश से संबंधित मुद्दे होते हैं जो देश के विकास संबंधी मुद्दे होते हैं जो देश के संपूर्ण देश के काम होते हैं उससे संबंधित जो सारे नियम होते हैं कि केंद्र सरकार किन किन चीजों पर कानून बना सकती है क्या क्या उसके काम है वो हमें कहा दिखते हैं वो हमें यूनियन लिस्ट या फिर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों वो हमें संघ सूची के अंदर देखते हैं संघ सूची के अंदर देखते हैं और इन पर सिर्फ और सिर्फ काम करने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार के पास होता तो केंद्र सरकार ही संघ सूची पर संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार के काम लिखे हुए अधिकार लिखे हुए हैं और केंद्र सरकार जो होती है उन्हीं कानूनों को ध्यान में रखकर उन्हीं कामों को और शक्तियों को ध्यान में रखकर देश में कानून बनाती है अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारी संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं तो हमारी केंद्र सरकार आखिर किन किन चीजों पर कानून बना सकती है है ना केंद्र सरकार जो है हमारी वो आखिर किन किन चीजों पर कानून बना सकती है या फिर उसकी क्या क्या शक्तियां हैं भैया जब अगर हम लोग देखें कि पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसी राज्य को जिम्मेदारी दी जाएगी नहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो हमारी केंद्र सरकार की है और ये यूनियन लिस्ट के अंदर संघ सूची के अंदर लिखी हुई है पूरे देश को सुरक्षित रखना दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना क्या यूपी गवर्नमेंट अमेरिका से संबंध बनाएगी क्या पंजाब गवर्नमेंट जर्मनी से संबंध बनाएगी नहीं देश की जो हमारी केंद्र सरकार है वो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाती है बिजनेस करती है तो इसकी भी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की होती है देश के अंदर जो बैंकिंग की व्यवस्था है कि भैया आप देखें कि बिजनेस चले देश का एक आपको राष्ट्रीय बैंक दिखता है जैसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं देश में नोट छपे इंफॉर्मेशन सही तरीके से शेयर हो तो ये हमारी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है तो केंद्र सरकार किन किन चीजों पर काम कर सकती है और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं उसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं यह हमें कहां पर दिखता है दोस्तों ये मुख्य तौर पर हमें दिखता है हमारी केंद्र सरकार के अंदर है ना केंद्र सरकार की जो हमारी ये यूनियन लिस्ट है उसके अंदर हमें ये दिखता है आगे बढ़ते हैं है ना तो केंद्र सरकार के क्या क्या नियम है केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं ये हमें यूनियन लिस्ट के अंदर संघ सूची के अंदर दिख जाती है ऐसे ही भारत के अंदर आज के समय में हमारे पास 28 राज्य हैं और इन सभी 28 राज्यों के अंदर अगर हम लोग देखें तो इन 28 राज्यों के अंदर आपको 28 सरकारें है दिखती हैं हर स्टेट की अपनी सरकार आपको दिख रही है तो राज्यों की है ना राज्यों के क्या क्या काम है राज्यों की क्या क्या काम है राज्य सरकार है है ना राज्यों के क्या क्या काम है और उसी के साथ साथ राज्यों की क्या क्या शक्तियां हैं

हर राज्य के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि भैया अपने यहाँ पर व्यापार को बढ़ाओ उसको बनाने के उसको बढ़ाने के कानूनों पर काम करो ऐसे ही हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के अंदर कृषि को बेहतर करे सिंचाई को बेहतर करे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करे फैक्ट्रीज़ को खड़ा करे तो ये सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो राज्य सरकार की तो राज्य सरकार के क्या क्या काम हैं क्या क्या शक्तियां हैं वो हमें स्टेट लिस्ट में या फिर हमें राज्य सूची के अंदर दिखते हैं और इसी के आधार पर आप लोग देखते हैं कि जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं वो काम करती हैं ठीक तो संविधान में अब तक हमने दो लिस्टों के बारे में तो पढ़ लिया है राज्य सूची के बारे में और उसी के साथ संघ सूची के बारे में भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक तीसरे प्रकार की भी सूची होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची इसको एक और नाम से पुकारा जाता है इसे कहा जाता है सांझा लिस्ट है ना इसे हम लोग क्या कह रहे हैं इसको हम लोग समवर्ती सूची के नाम से भी पुकार रहे हैं या फिर सांझा लिस्ट भी इसे कह रहे हैं भैया हमारी ऐसी लिस्ट आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर ऐसे काम ऐसे काम जो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जिसमें केंद्र सरकार ऐसे काम जिसमें हमारी केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है ये दोनों मिलकर करती हैं भारत में ऐसे बहुत से नियम है कानून है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर साथ आती हैं है ना देश से संबंधित ऐसे कानून ऐसे नियम जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में आकर काम करती हैं उसको उन कामों को हम लोग कहाँ देखते हैं उन कामों को हम लोग संवर्ती सूची के अंदर क्या देखते हैं दोस्तों विद्यमान देखते हैं ठीक है तो ऐसे देश से संबंधित ऐसे कानून और ऐसे बातें जिस पर दोनों मिलकर काम करती हैं दोनों मिलकर कानून बनाती है, है कि विवाद हो जाए टकराव हो जाए है, है ना तो ये बताया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं और काम करते हुए किसी बात को लेकर मसला हो जाए कोई विवाद हो जाए कोई झगड़ा हो जाए कोई टकराव हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार कानून बना रही है जो केंद्र सरकार कानून बना रही है उसी को मान्य माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है तो केंद्र सरकार और अगर राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी विषय पर कानून बना रही है और अगर उसमें किसी बात को लेकर टकराव होता है तो मुख्य तौर पर जो केंद्र सरकार कानून बना रही है वही मान्य होगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां मौजूद हैं अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ सकता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी देश की चीजें हैं कौन कौन से देश के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं भैया देश की शिक्षा जो है है ना हमारे देश के अंदर अगर आप लोग शिक्षा को देखें तो देश के अंदर हर व्यक्ति को शिक्षा मिले देश का हर बच्चा शिक्षित हो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और उसी के साथ साथ राज्य सरकार की भी है देश के अंदर हमारे जंगल सुरक्षित रहें इसकी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की भी है राज्य सरकार की भी है देश के अंदर जो विवाह है शादी संबंधी जो नियम है वो देश की केंद्र सरकार भी बना सकती है राज्य सरकार भी बना सकती है देश के अंदर अगर आप किसी को गोद ले रहे हैं दत्तक अधिग्रहण का मतलब कि अगर आप किसी को गोद ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आप देखते हैं कि वो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है तो देश में शिक्षा वन है ना शादी संबंधी ट्रेड यूनियन जो मजदूरों की यूनियन होती है इससे संबंधित कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी दोनों सरकारों के बीच में दिखती है तो संघ सूची क्या है संवर्ती सूची क्या है और राज्य सूची क्या है उसको देखा और ये किस तरीके से काम करती है उसको हमने समझा अब अच्छा भारत के संविधान को अगर हम देखें तो हम ये भी देखते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसे काम हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं होते केंद्र के काम तो हमें संघ सूची में दिख गए राज्य सरकार के काम हमें राज्य सूची में दिख गए और दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो हमें संवर्ती सूची में दिख गए लेकिन अभी भी देश से संबंधित कुछ ऐसी जिम्मेदारियां और काम होते हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है तो जो देश में कुछ ऐसे अगर हमारे काम बच जाते हैं कुछ ऐसे हमारे आ, काम बच जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होते उस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार के पास होती है कुछ ऐसे मुद्दे और विषय हो जाते हैं अगर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते उस पर कानून बनाती है हमारी केंद्र सरकार है ना हमारी केंद्र सरकार बनाती है और उसी पर वो क्या किया जाता है कानून को आगे बढ़ाया जाता है ठीक है तो जैसे आप सभी को पता है कि भारतीय परिपेक्ष में हमारे पास आज के समय में अट्ठाईस राज्य हैं है ना लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय के अंदर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर 545 से भी ज्यादा जब अंग्रेज हमारे प्यारे भारत छोड़ भारत को छोड़ के गए अंग्रेज बहुत चलाक थे भैया अंग्रेजों ने क्या किया था फूट डालो शासन करो किया था किया था नहीं किया था जी हाँ डिवाइड और रूल किया था और जब वो हमारे देश से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने भारत के अंदर लगभग आपको दिखता है कि 545 से भी ज्यादा छोटे मोटे राजा हुआ करते थे पंजाब में छोटे छोटे रियासतें ऐसे ही गुजरात के अंदर छोटे छोटे राजा ऐसे ही हैदराबाद एक अलग आपको राजा दिखता था वहां का निजाम दिखता था तो हर एक इलाके के अंदर अलग अलग राजा थे अंग्रेज जब भारत से गए उन्होंने कहा कि भाई ये राजा चाहें तो भारत में रहें या फिर भारत से अलग हो जाएं। तो बहुत से जो राजा थे वो भारत से अलग होने की कोशिश कर रहे थे है ना कुछ तो प्यार मोहब्बत से आ गए थे भारत के साथ लेकिन कुछ जो थे वो मान नहीं रहे थे उनको भारतीय सेना के जरिए समझाया गया और फिर वो भारत में शामिल हो गए एक राज्य है ऐसे ही जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर ये राज्य जब भारत के अंदर शामिल हुआ तो इस राज्य को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे दी गई जब इस राज्य को भारत में शामिल किया गया इस राज्य के जो राजा थे उन्होंने कहा कि अगर आपको मुझे भारत में शामिल करना है ना मुझे थोड़े तोहफे दो तो उनको थोड़े तोहफे दिए गए उनको तोहफे देकर आप देखते हैं कि भारत में शामिल किया गया तो भारत में आज के समय में हमें अट्ठाईस राज्य दिख रहे हैं है ना जब कश्मीर को हमने शामिल किया तो कश्मीर को जब शामिल किया गया तो उसको थोड़े स्पेशल फैसिलिटीज दे दी कुछ स्पेशल अधिकार दे दिए गए और संविधान का जो हमारा नियम नंबर 370 है संविधान में आपको अलग अलग नियम दिखते हैं है ना संविधान क्या है भैया एक नियम की किताब है तो संविधान का जो नियम नंबर 370 था उसके जरिए हमने क्या किया जम्मू कश्मीर जो ये हमारा क्षेत्र था इसको कुछ स्पेशल अधिकार दे दिए क्या क्या स्पेशल अधिकार दे दिए भाई सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारा देश का जो कानून था हमारे देश का जो कानून था वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर का एक अपना कानून हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया इन लोगों को एक स्पेशल कानून दे दिया गया कि ये अपने तरीके से अपने कानून के हिसाब से अपने राज्य को चलाते थे और आप देखते हैं कि भारत का जो हमारा संविधान है उसके नियम नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर को ये सभी सुविधाएं मिली हुई थी और पता है क्या क्या चीजें हुआ करती थी दोस्तों आप देखते हैं कि कोई भी भारतीय जैसे मान लीजिए कि अगर आप यूपी में रहते हैं बिहार में रहते हैं झारखंड में रहते हैं आप सोचिए कि चलिए भैया जम्मू कश्मीर में चलते हैं बहुत ठंडा इलाका है वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करेंगे आप वहां पर जा सकते थे लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उन्होंने अपना कानून इस तरीके से बनाया हुआ था तो कोई भी भारतीय वहां पर बस नहीं सकता था स्थायी तौर पर वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था है ना हम वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते थे और इनका अपना क्या था दोस्तों संविधान था अपना इनका राष्ट्रगान था तो ये भारत से अलग पूरे तौर पर दिख रहे थे फिर आप देखते हैं कि समय गुजरता है और साल 2019 के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था भारत का जो संविधान का नियम नंबर 370 था भैया इस नियम नंबर 370 में बदलाव कर दिया गया और क्या बदलाव कर दिया गया जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो उससे छीन लिया गया आज के समय में आप देखते हैं कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था स्पेशल दर्जे के साथ लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया एक सामान्य क्षेत्र बना दिया गया है इसको दो भागों में बांट दिया एक कहा जम्मू कश्मीर है ना इसको आज के समय में हमने क्या देखा दो में इसको क्या कर दिया गया बच्चों इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि इसकी शक्ति को कम कर दिया गया अब यह भारत का एक सामान्य क्षेत्र है आप यहां पर जा सकते हैं बस सकते हैं रह सकते हैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो भारत के संविधान में कुछ राज्यों को विशेष राज्य का भी दर्जा दिया गया था लेकिन आज के स्वरूप में हमें वो नहीं दिखता है ना चलिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास नाइन्थ के अंदर पिछली क्लासेस के अंदर या फिर अखबारों के अंदर जरूर इस शब्द को पढ़ा होगा केंद्र शासित प्रदेश इंग्लिश में इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है भाई केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है और भारत में अगर हमारे पास राज्य हैं स्टेट हैं यूपी है बिहार है पंजाब है हरियाणा है गुजरात है तो ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों रखे गए क्या कहानी है इसको समझते हैं भाई हमारा जो प्यारा भारत देश है आप देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे इलाके हैं भारत में कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं या फिर क्षेत्र हैं जहां पर ना भैया बहुत ज्यादा जनसंख्या है है ना बहुत ज्यादा जनसंख्या है भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है और इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है इनका क्षेत्रफल ऐसे हमारे बहुत से इलाके हैं छोटे से हैं नन्ने से हैं मुन्ने से हैं छोटू से हैं है ना आकार में बहुत छोटे हैं लेकिन वहां पर जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है दिल्ली को देखो दिल्ली इतना तो छोटा सा है नन्ना सा है लेकिन यहां पर लगभग तीन करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं है ना और दिल्ली एक राज्य के तौर पर आकार नहीं रखता कि भैया दिल्ली को एक राज्य बनाया जाए क्या हम दिल्ली को हरियाणा में मिला दें नहीं इससे हरियाणा पर अतिरिक्त भार पड़ेगा क्या हम दिल्ली को यूपी में मिला दें नहीं इससे यूपी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा तो भारत में ऐसे इलाके जो छोटे हैं आकार में अपितु यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इनको इनको राज्य नहीं घोषित किया गया इनको एक नया नाम दे दिया गया इनको कहा गया यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश और आप देखते हैं कि ऐसे इलाकों पर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है ऐसे इलाकों पर मुख्य तौर पर जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है शासन करती है तो इन इकाइयों के पास जो हमारी पास यूनियन टेरिटरीज है उनके पास आप देखते हैं कि कम शक्तियां होती है राज्य, होते है। राज्य तो होते नहीं है राज्य जैसी शक्तियां इनके पास होती नहीं है इनके पास आप देखते हैं कि कम शक्तियां होती हैं ठीक है और इन्हें ही हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वर्तमान स्वरूप में हमारे पास आठ हमारे यूनियन टेरिटरीज हमें दिख रहे हैं जैसे जम्मू कश्मीर हुआ लद्दाख हुआ दिल्ली हुआ चंडीगढ़ हुआ उसी के साथ आप देख रहे हैं कि हमारा दादर नागर हवेली एंड दमन दमनद्वीप ये एक ही है दोस्तों अब पहले ही अलग अलग थे इनको एक कर दिया गया लक्षद्वीप है पडुचुरी और अंडमान निकोबार है तो हमारे आज के समय में ये हमारे मुख्य तौर पर आपको क्या दिख रहे हैं आपको ये यूनियन टेरिटरीज दिख रहे हैं तो शासित प्रदेश क्या है वो देखिए विशेष राज्यों की क्या परिभाषा होती है उसको हमने आपके सामने डिस्कस किया अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि भाई इतने अलग अलग संस्कृतियों वाला भारत देश अलग अलग जबानों वाला हमारा प्यारा भारत देश अलग अलग धर्मों वाला हमारा प्यारा भारत देश आखिर यहां पर केंद्र और राज्य सरकार साथ कैसे चल पा रही हैं? भारत के अंदर हमारी संघीय व्यवस्था सफल कैसे हो रही है यही सवाल पेपर में बनता है कि भारत में संघीय व्यवस्था के सफल होने के क्या कारण है यह आपसे पूछा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष में यह बनता है तो उसको हम लोग समझेंगे तो अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर जो पावर है ना जो देश को चलाने की शक्ति है वो भारत के संविधान ने बहुत ही सुचारू रूप से बांटी है अभी हमने पीछे देखा केंद्र की के क्या क्या काम है शक्तियां बांट दी वो उन्हीं को काम करते हैं राज्य की क्या क्या शक्तियां हैं वो बांट दी वो उन्हीं पर काम करते हैं दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं वो संवर्ती सूची में बता दिया गया है तो भारत के संविधान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब और इसमें बता दिया गया कि देश की जो हमारी ये सरकारें हैं इनके क्या काम और क्या शक्तियां हैं क्योंकि यहां पर इनके काम और शक्तियां बटी हुई हैं और ये चाहकर भी क्या है ये जो सरकारें हैं इस कानून में बदलाव नहीं कर सकते देश के संविधान में ये ये बदलाव नहीं कर सकते कभी केंद्र सरकार चाहे कि भाई हम बदलाव कर दें या फिर राज्य सरकार चाहे कि हम बदलाव कर लें अपने आप को शक्तिशाली बना लें ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये बदलाव करना बहुत असंभव है इसके लिए देश के जो हमारी केंद्र सरकार के सब नेता हैं वो राजी हों और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि जो हमारी राज्य सरकार है हर राज्य की जो सरकारें हैं उनके लोगों की स्वीकृति होना बहुत जरूरी है और ये थोड़ा असंभव है ऐसा होता ही नहीं है तो इसीलिए आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो सफल है क्योंकि यहाँ पर दोनों की शक्तियां बटी हुई हैं और ये चाह कर भी असली जो हमारा संविधान है उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते अब भारत दुनिया का बड़ा विचित्र देश है बहुत प्यारा देश है बहुत आ, मजबूत देश हमारा दिखता है और भारत के अंदर अगर हम लोग देखें जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो भाषाई तौर पर बड़ी बड़ी विचित्र है बच्चों बहुत अच्छी है हम देखते हैं कि भारत दुनिया का सातवा सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से और यहाँ पर अनेकों भाषाएं हम बोलते हुए देखते हैं भाई अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो हमारे उत्तर में अलग कश्मीरी लद्दाखी भाषा दिख रही है हमारे यूपी बिहार के अंदर आप लोग हिंदी भाषी देख रहे हैं ऐसी गुजराती है मराठी है तेलुगु है कन्नड़ा है तमिल है मलयालम है उड़िया है बंगाली है आपको भिन्न भिन्न भाषाएं भारत के अंदर दिख रही हैं, है ना और इन सभी भाषाओं को ध्यान में रखकर एक देश को चलाना बहुत मुश्किल है और इन सभी भाषाई लोगों का ध्यान रखकर देश को चलाना और जटिल है लेकिन भारतीय कानून और भारतीय संविधान बहुत ही सुचारू रूप से इन सभी भाषाओं का ध्यान रखा हुआ है तो जब भारत को आजादी मिल गई साल उन्नीस के बाद उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग राज्य थे जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं यहां पर कहा जाने लगा कि भैया हम सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो हमें एक राज्य बना दीजिए तो भारत में आजादी के बाद जब भारत देश निर्मित हुआ आप देखते हैं कि 1953 के आसपास एक तरीका घोषित किया गया कि भारत में आवाजें उठने लगी भारत के अंदर बहुत से जो इलाके थे वहां से ये कहा जाने लगा कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाने लगे और भारत में फिर क्या गया मुख्य तौर पर क्या किया गया जो राज्यों का गठन हुआ भारत के अंदर क्या किया गया शुरुआत में 1950 के बाद 1950 से उन्नीस के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया दोस्तों अधिकतर जो भारत के राज्य बने वो भाषा के आधार पर बने तमिल भाइयों के लिए तमिलनाडु बना आ, हमारे जो बांगली भाषा है बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए पश्चिम बंगाल बढ़ा उड़िया भाषा के लिए उड़ीसा बना और मराठी भाषियों के लिए हमारा महाराष्ट्र बना तो शुरुआत में जो हमारे राज्य थे वो भाषा के आधार पर आपको बनते हुए दिखे उसके बाद के अंदर जो हम राज्यों को देखें वो जो राज्य बने हैं वो कहने लगे कि भाई हमारी संस्कृति थोड़ी अलग है उस तो सांस्कृतिक तौर पर भी आप देखते हैं कि भारत में राज्यों का गठन किया गया जैसे शुरुआत में यूपी और उत्तराखंड एक ही था लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं या फिर जो उत्तरांचल के लोग हैं उनकी संस्कृति पहाड़ी है तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी संस्कृति अलग है हमें एक अलग राज्य बना दो तो आप देखते हैं कि उत्तराखंड हमारा इलाका हुआ ऐसे ही बिहार से जो झारखंड का क्षेत्र है क्योंकि झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा है उनकी संस्कृति अलग है तो शुरुआत में भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ वो भाषा आधार पर हुआ और बाद के समय में हम देखते हैं कि संस्कृति के आधार पर भी अलग संस्कृति के आधार पर भी भारत में राज्यों को गठित किया गया ठीक है अब हम लोग ये देखें एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आता होगा और आपने जरूर यह सुना होगा कि जो हमारी हिंदी भाषा है ना आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि हिंदी इज दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ आर कंट्री हिंदी जो है वो हमारे देश की क्या है दोस्तों हिंदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है है ना हाँ बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया अरे भैया गलत आंसर है ध्यान से सुनिएगा भारत दुनिया का सबसे विचित्र देश है बहुत सारी भाषाएं आपको हमारे प्यारे भारत देश के अंदर दिखती हैं और भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है जैसे सऊदी अरेबिया की आप देखते हैं कि वहां पर अरबी भाषा उस देश की भाषा है पाकिस्तान की आप देखते हैं कि उर्दू वहां की राष्ट्रभाषा है भारत के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं तो भारत में इन सभी भाषाओं का सम्मान किया गया भारत में कोई भी भाषा हमारे देश की भाषा नहीं है बल्कि हमने क्या कहा हमने ये नहीं कहा कि हिंदी हमारी भाषा है हमने तो ये कहा संविधान ने कि ये सभी हमारी भाषाएं और हमें इन सभी भाषाओं का सम्मान करना है तो भारत के अंदर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि आप देखते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है ये क्या है दोस्तों ये हमारी राजभाषा है राजभाषा का मतलब क्या होता है ऑफिश ये हमारी क्या है दोस्तों आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि भैया ऑफिस के काम सरकारी जो कामकाज है वो हिंदी में मुख्य तौर पर किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं क्योंकि लगभग चालीस प्रतिशत जो लोग हैं भारत में लगभग फोर्टी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है तो भारत के अंदर भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी राजभाषा है राजभाषा का मतलब यहां पर ऑफिशियल काम होता है इसी के साथ साथ और भी भाषा बोलने वाले लोग हैं भैया बंगाली भाषा है तेलुगु है मराठी है तमिल है उर्दू है गुजराती है कन्नड़ा है तो इन सभी भाषाओं का भी ध्यान रखा गया और इन सभी भाषाओं को क्या कर दिया गया हिंदी को मिलाकर टोटल है बाईस हिंदी को मिलाकर टोटल है बाईस और इनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है तो भारत के अंदर आप इन सभी बाईस भाषाओं के अंदर सरकारी कामकाज कर सकते हैं जब भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तो इन सभी बाईस भाषाओं के अंदर आता है आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर इन इन भाषाओं के अंदर अपनी अर्जी दे सकते हैं और सरकार आपकी बात को सुनेगी तो भारत के अंदर ये हमारी बाईस भाषाएं हैं जिस पर सरकार का, का काम किया जाता है और लोग अपने आप काम को सुचारू रूप से करते हैं भारत के अंदर आपको बताया दोस्तों की केंद्र सरकार और राज्य सरकार है और मुख्य तौर पर इन दोनों का उद्देश्य क्या है भैया हमारी जो केंद्र सरकार है उसी के साथ साथ जो हमारे अलग अलग इलाकों की केंद्र जो राज्य सरकारें हैं वो सभी मिलकर क्या करती हैं काम करती हैं और इन सभी का उद्देश्य क्या इन है इन सभी का उद्देश्य है देश का विकास करना या फिर जो हमारी जनता है उसका विकास करना इन सभी का यही तो उद्देश्य है क्या है दोस्तों आप सभी को बताए कि हमारी जितनी भी सरकारें हैं उन सभी का यही उद्देश्य है राज्य सरकार हो या फिर जो हमारी केंद्र सरकार हो इनका यही उद्देश्य है कि मुख्य तौर पर क्या किया जाए देश का विकास किया जाए और ये सभी लोग क्या करते हैं मिलकर जनता के विकास के लिए पूरे पूरे तौर पर काम करते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको कहा जा रहा है कांग्रेस की मोनोपोली के समय जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त उन्नीस को आजाद हुआ और आजादी से काफी समय पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा आप लोगों को जल्दी से कमेंट में आंसर लिख के बताना है देखते हैं कि कौन बच्चा या बच्ची जल्दी से इस आंसर को सही से बताएगा भारत के अंदर आप देखते हैं कि भारत की एक सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं कांग्रेस कब बनी जल्दी से कॉमेंट का बताइए दोस्तों है ना जल्दी बताइए कि कांग्रेस का गठन कब हुआ कांग्रेस किस वर्ष में बनी जल्दी से देखते हैं कि आप में से कौन आंसर देगा मैं आपको आंसर दे दूंगा क्लास के अंदर चिंता नहीं करें आप अपने आंसर बताइए कॉमेंट के अंदर तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और जब भारत को आजादी मिली तो आप देखते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो साल उन्नीस से आप देखते हैं कि भारत में केंद्र में भी केंद्र सरकार में भी कांग्रेस पार्टी रही और भारत के अंदर जो हमारी अलग अलग राज्य सरकारें थी वहां पर भी आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस की ही सरकारें रही इसी को क्या कहा जाता है इसी को हम लोग कांग्रेस की मोनोपोली कहते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है दोस्त मोनोपोली का मतलब होता है अगर हम लोग देखें मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार एक अधिकार मोनोपोली का मतलब क्या होता है मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार के भैया केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस के ही नेता लोगों का शासन और हर राज्य के अंदर भी कांग्रेस का ही शासन हमें देखता है साल उन्नीस से कब तक दोस्तों कि एक ही पार्टी केंद्र में भी मौजूद है और एक ही पार्टी हमें अलग अलग राज्यों के अंदर भी दिख रही है इसी को क्या कहा जाता है इसी को मोनोपोली या फिर एक अधिकार कहा जाता है जो हमें साल उन्नीस से साल उन्नीस तक दिखता है भारत के अंदर ठीक है जी इसी को कांग्रेस का मोनोपोली कहा जाता है और कांग्रेस का जो गठन हुआ है दोस्तों वो एटीन में हुआ है अठारह में, में कांग्रेस पार्टी बनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि भैया हुआ क्या कि साल उन्नीस से साल उन्नीस तक जब केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी केंद्र सरकार थी तो काम सही तरीके से चल रहा था है ना दोनों तरफ एक ही पार्टी के लोग थे तो सुचारू तो रूप से काम चल रहा था कोई विरोध ज्यादा नहीं होता था लेकिन 1989 के बाद से क्या हुआ स्थिति थोड़ी बदली आप देखते हैं कि भारत में जो हमारे अलग अलग छोटे छोटे इलाके रहे अगर आप मुख्य तौर पर हमारा यूपी का इलाका देखते हैं तो वहां से समाजवादी पार्टी आई बहुजन समाजवादी पार्टी आई तमिलनाडु से हमारी तेलुगु देशम पार्टी आई और अब उड़ीसा से अलग अलग पार्टी भी जो जनता दल आई तो अलग अलग पार्टी आप देखते हैं कि भारत में आने लगी अलग अलग राज्यों से और साल उन्नीस के बाद से ही आप देखते हैं कि भारत में मुख्य तौर पर क्या हुआ एक नया स्वरूप हमें दिखने लगा है ना नया नया स्वरूप हमें मुख्य तौर पर आप लोग देखने लगे कि दिखने लगा क्या दिखने लगा दोस्तों हम मुख्य तौर पर देखते हैं कि साल उन्नीस के बाद कांग्रेस को आप देखते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी रही उसका जो एक अधिकार था वो पूरे तौर पर समाप्त होता चला गया और उसके बाद केंद्र में अगर हम लोग देखें जो पूरे देश को चलाने वाली सरकार थी उसमें गठबंधन की सरकार आने लगी गठबंधन की सरकार का मतलब क्या है चलिए समझ लेते हैं हमारे जो केंद्र सरकार है वो किससे संबंधित है दोस्तों वहां केंद्र सरकार मुख्य तौर पर हमारी लोकसभा से संबंधित है और आप सभी को पता है कि लोकसभा में हमारे पास पांच सीटें हैं पांच आपको दिखता है कि लोग होते हैं 545 लोग होते हैं और अगर कोई भी राजनीतिक दल जैसे बीजेपी हुई भारतीय जनता पार्टी जैसे बीजेपी हुई कांग्रेस हुई समाजवादी पार्टी हुई बीएसपी हुई ये जो हमारे अलग अलग राजनीतिक दल हैं ये चाहते हैं कि भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी जीतें संविधान तो में ये बताया गया है कि अगर कोई भी अकेला कोई भी दल अगर अकेले दो साथी जिता देता है अगर किसी भी दल के दो साथी अकेले जीत जाए मान लीजिए कांग्रेस के अगर दो साथी जीत जाते हैं तो वो केंद्र में सरकार बनाएगी यानी कि देश को देश के अंदर जो शासन होगा वो कांग्रेस सरकार चलाएगी साल उन्नीस से साल उन्नीस तक कांग्रेस आसानी से दो के अंक को छुपा रही थी उनके दो साथी जीत पा रहे थे इसीलिए वो केंद्र में सरकार बना रही थी लेकिन साल उन्नीस के बाद कांग्रेस के हालात खराब होते चले गए और उसके बाद कोई भी दल सही तौर पर क्या नहीं कर पाया दो के अंक को नहीं पाया फिर उसके बाद क्या हुआ फिर जो अलग अलग दल थे वो इकट्ठे आने लगे क्या आने लगे इकट्ठे आने लगे जैसे एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके सौ साथी जीते दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उसके सौ साथी जीत गए मान लीजिए और तीसरी के बहत्तर साथी जीत लिए तो अभी ये तीनों मिलकर क्या हुए दो सौ बहत्तर के अंक तक पहुंच गए फिर ये क्या कर लिया करते थे एक से ज्यादा जो पार्टियां थी वो मिलकर देश में केंद्र सरकार बनाने लगी और इसी को हमने गठबंधन की सरकार कहा अब जब गठबंधन की सरकार आ गई तो इसके जरिए क्या हुआ मुख्य तौर पर जो हमारे क्षेत्रीय दल थे वो मजबूत हुए और जब गठबंधन की सरकार आने लगी तो मुख्य तौर पर क्या हुआ काम जो था वो और अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से होने लगा जो भारतीय संघीय व्यवस्था को और बेहतर करने में ज्यादा बड़ा योगदान देने लगा है ना दोस्तों तो कांग्रेस की मोनोपोली क्या रही और कांग्रेस की ये जो मोनोपोली थी एक अधिकार था ये किस प्रारूप में समझा हुआ उसको हमने आपके सामने रखा अब यहां पर हम लोग भारत में भाषाई विविधता को देखने वाले हैं भाषाई विविधता का मतलब होता है कि भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं का स्वरूप है भैया हमारा प्यारा भारत बड़ा बड़ा ही खूबसूरत है और यहाँ पर आप देखते हैं कि पंद्रह से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं समूह हैं भाषाओं के अलग अलग समूह हमें दिख जाते हैं है ना जैसे हिंदी के अंदर ही अगर हम लोग देखें तो हमें मगधी भोजपुरी बुंदेलखंडी छत्तीसगढ़ी राजस्थानी दिख जाती है क्या आप इन सभी भाषाओं को साथ लेकर चला जाए ये थोड़ा मुश्किल था तो क्या किया गया आप सभी को पता है कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर हमने क्या किया हमने 22 भाषाओं को चुनित किया और संविधान के हमने क्या किया अनुच्छेद नंबर आठ संविधान के नियम नंबर आठ में हमने क्या किया इन सभी भाषाओं को रखा और इन सभी भाषाओं के अंदर इन सभी बाईस भाषाओं के अंदर आप क्या कर सकते हैं भारत के अंदर सरकारी काम को कर सकते हैं और आप जिस भी तरीके की कोई भी आपकी कंप्लेन हो कोई काम आप कराना चाहते हैं इन बाईस भाषाओं में करेंगे तो सरकार आपकी इन बातों को मानेगी और उसके जरिए आपको पूरे तौर पर क्या करेगी न्याय देगी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसको समझना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास की शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया था कि भारत के अंदर जब भारत को भारत के कानून को बनाया गया था भारत का नियम लागू हुआ 15 अगस्त सॉरी 26 जनवरी 1950 को तो उस समय हमारे पास सिर्फ दो ही सरकारें थी जब हमारा देश बना और बनने के बाद जब कानून लागू हुआ तो हमारे पास दो ही प्रकार की सरकार थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्र का काम था पूरे देश को आगे बढ़ाना पूरे देश का विकास करना राज्य सरकार का काम था अपने राज्यों को बेहतर करना यूपी राज्य की सरकार यूपी को बेहतर करेगी एमपी राज्य की सरकार एमपी को बेहतर करेगी लेकिन जो भारत हमारा देश है दोस्तों ये आकार में बहुत बड़ा देश है आपको पता है दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और भारत के जो राज्य हैं सिर्फ राज्य ही यूरोप के देशों से बड़े हैं जी हाँ हमारा जो यूपी है उसकी पॉपुलेशन लगभग बाईस करोड़ के आसपास है यूरोप के तो आपको दो तीन देश उसमें से बनते हुए दिख जाएंगे हरियाणा के बराबर आप देखते हैं कि बेल्जियम है तो भारत के जो राज्य हैं वो इतने बड़े हैं कि वो देशों के बराबर हो सकते हैं और सिर्फ दो प्रकार की सरकारें कि केंद्र और राज्य भारत के संपूर्ण विकास कर सकें ये बहुत मुश्किल हो रहा था इसीलिए आप लोग देखते हैं कि क्या किया गया इसीलिए हम लोग देखते हैं कि विकेंद्रीकरण किया गया विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्त विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि बंटवारा किया गया क्या किया गया कि जो हमारी दोनों सरकारें थी ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये उतना बड़ा बदलाव नहीं कर पा रही थी इसीलिए महसूस हुआ कि भारत के जो बड़े बड़े राज्य हैं इसमें क्या किया गया है दोस्तों इन क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति खान पान को ध्यान में रखकर ये महसूस हुआ कि हम विकेंद्रीकरण करें विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो हमारी राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है इनसे क्या किया गया कुछ शक्तियां राज्य सरकारों से ली उसी के साथ कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से ली और हमने तीसरी प्रकार की जो हमारी सरकार थी उसको बनाया इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ शक्तियों का बंटवारा भैया कुछ शक्तियां केंद्र सरकार से ले ली कुछ शक्तियां राज्य सरकार से ले ली और एक तीसरी प्रकार की सरकार को बनाया कब बनाया दोस्तों साल उन्नीस से हमने इसको लागू किया तो भारत में विकेंद्रीकरण शक्तियों का जो बंटवारा हुआ तीसरी प्रकार की जो हमारी सरकार लागू हुई वो साल उन्नीस में लागू हुई और उसी के जरिए हमने क्या किया तीसरी प्रकार की सरकार को लागू किया और पूरे देश का विकास करने की जिम्मेदारी हमने दे दी भैया केंद्र सरकार पर भैया पूरे देश का विकास कौन करेगा पूरे देश का विकास हमारी केंद्र सरकार करेगी हर राज्य का विकास राज्य सरकार करेगी गाँव के विकास करने की जिम्मेदारी हमने स्थानीय सरकार को दे दी पंचायतों को दे दी और उसी के साथ साथ शहरों का विकास करने की जिम्मेदारी हमने नगर को दे दी इसके जरिए क्या हुआ पूरे देश का विकास हो रहा है हर राज्य का विकास हो रहा है हर गाँव का विकास हो रहा है और हर शहर का विकास हो रहा है तो साल उन्नीस से हमने भारत के अंदर इस केन्द्रीकरण को किया और आपने देखते हैं कि सरकार का ये जो तीसरा स्वरूप था इसको बनाने की जरूरत हमें महसूस हुई और उसको हमने बनाया साल उन्नीस में भारत के संविधान में बदलाव किया गया संशोधन का मतलब होता है बदलाव है ना क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ दो सरकारें थी बदलाव किया गया और उस बदलाव के बाद भारत में तीन प्रकार की सरकारें हमें दिखती हैं तीसरे प्रकार की जो हमारी सरकार है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों स्थानीय सरकार कहते हैं और ये जो हमारी स्थानीय सरकार है गांव के लिए आपको दिखता है कि पंचायतें होती हैं और शहर के लिए आपको दिख रहा है कि ये हमारी नगर पालिका होती है और इसके आ जाने से अब हमारे शहर भी विकासशील हो रहे हैं गांव भी विकासशील हो रहे हैं हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है देश का विकास हो रहा है राज्य का विकास हो रहा है संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है और अब भारत के अंदर ये जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं ये जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है ये भी एक संवैधानिक दर्जा है इनको अब संविधान में स्वीकृति मौजूद है और आप देखते हैं कि इसमें एक और चीज़ की गई है क्या चीज़ की गई है दोस्तों जो बहुत अच्छी है ये कह दिया गया कि भैया जो हमारी जो स्थानीय सरकारें हैं ना इसके अंदर तैंतीस प्रतिशत महिलाओं का होना जरूरी है जब भी चुनाव होंगे पंचायत के या फिर नगर पालिका के तो उसके अंदर महिलाओं का शामिल होना जरूरी है तैंतीस प्रतिशत महिलाओं के लिए होना जरूरी है उसी के साथ जो हमारे निचले तबके के समाज का जो हमारा पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं आदिवासी जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी सीटों को आरक्षित किया गया ताकि सब देश के शासन में शामिल हो सके इसके लिए आप देखते हैं कि उनकी सीटों को भी रिजर्व किया गया तो जो हमारे दलित भाई हैं हमारे जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि आदिवासी भाई हैं उनको शामिल किया गया महिलाओं को इसमें शामिल किया गया और इसके जरिए क्या किया गया जो काम था वो करने की कोशिश की गई और आप देखते हैं कि साल उन्नीस के बाद से हर पाँच साल बाद स्थानीय सरकार के चुनाव होते हैं पंचायत के चुनाव होते हैं और नगरपालिका के चुनाव होते हैं और इन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है राज्य चुनाव आयोग की होती है हर राज्य में आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन होता है राज्य का वो इसको कराता है और दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आपने क्या किया दोस्तों आपने ये जो संवाद वाला चैप्टर था उसे बिल्कुल मक्खन के तरीके से आपने समझ लिया है सर जी चैप्टर खत्म हो गया पता ही नहीं चला यही मेरे दोस्त यही तो है मैजिक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के साथ ये जो हमारा संवाद वाला चैप्टर था संवाद होता क्या है संवाद का अर्थ क्या होता है संवाद के चैप्टर की जो पूरी कहानी थी उसको आपके सामने पेश किया बहुत जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उनको देखा और उसकी पूरी पृष्ठभूमि को आपको हमने बताया अब आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेपर में इस चैप्टर से और आज के लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन आप बाहर आते हुए नहीं देखेंगे सारा का सारा मामला पेपर में यहीं से आने वाला है उम्मीद है दोस्तों को आपको हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी अब आप लोगों को क्या करना है यह बताना है कि अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो आप किस चैप्टर पर कराना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का हो हिस्ट्री का हो जोग्राफी का हो इकोनॉमिक्स का हो आपका कोई सा भी जो चैप्टर हो जो आपको लगता है कि जटिल लग रहा है आपको मुश्किल लग रहा है तो आप लोग उसको कमेंट में लिखिए जिस चैप्टर की होगी सबसे ज्यादा डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग आपके सामने करेंगे पेश अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास आई होगी पसंद मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद